नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जी हां, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो बड़े बड़े दावे जो हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से किए जाते हैं और साथ ही साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो काउंसलर्स हैं वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। जब हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से बातचीत करते हैं तो उनका भी यही कहना है कि जम्मू की छवि बदल रही है, जम्मू जो है अब स्मार्ट सिटी की कगार पर है। परंतु स्मार्ट सिटी कुछ ऐसी होती है शायद उन्हें नहीं पता, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें जो हैं हम आपको विकास नगर की बता रहे हैं, जो कि सरवाल का एक इलाका है और ये वार्ड नंबर 26 है और उसका सेक्टर 1 है, जहाँ पर ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, जो सड़कें हैं उनका विकास हो रहा है, जो गलियां हैं उनका विकास हो रहा है, और अगर बात की जाए तो लोगों के आसपास जो जगहें हैं उन्हें और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। परंतु ये तस्वीरें आपने देखी और अब आप फैसला कीजिए कि क्या जम्मू जो है सच में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है या जम्मू की तस्वीर और ज़्यादा ख़राब हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ इसी मोहल्ले के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? प्राणनाथ। सर, अगर इस गली की बात करें, हालात काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, खस्ता लग रहे हैं, अगर कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ गंदी पड़ी हैं और जो पूरा लेवलिंग है वो ख़राब हो गया, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं हमें यहाँ? जब जो ही थोड़ा सा पानी आएगा तो इधर से पूरा ये बराबर समंदर बनता है। इस पर इस रोड पे इतना लोड है कि सुबह से शाम तक, आज तो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन थोड़ा बहुत है तो इस वजह से कम रश है। यहाँ पर 10 सेकंड 10 मिनट पर भी गाड़ी नहीं यहाँ पर रुकती है। जी, बुरी हालत है। जिस तरीके से साथ ही साथ यहाँ पर सुनने को मिला है ये कंप्लेंट कि ये एक गली जो है, ये पूरी जो रास्ता है ये नशे का अड्डा बन रहा है, वो भी है, वो है, देखते हैं हम तो उससे तो बहुत पुराने से ही चलते आ रहे हैं, इधर बंदे बैठते हैं। इसके लिए आपने कोई कंप्लेन अपने कॉर्पोरेटर से? बहुत बार हुआ है। तो क्या कॉर्पोरेटर की तरफ से क्या जवाब? जवाब नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो आपने सुना कि कॉर्पोरेटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, इनका ये कहना है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मेहुल दुबे है। मेहुल जी, अगर बात करें तो ये आपका घर इसी गली में है, इस गली की अगर हालत देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है और यहाँ पर चलना तो बहुत ही मुश्किल है और रहना आप रह रहे हैं तो कितना मुश्किल है। मैम, ये तो अभी की बात है, आप सोचिए कि जब बारिश का ये मौसम आता है, रेनी सीजन जब आएगा तब यहाँ क्या होता है, यहाँ पानी इतना इतना आगे होता है कि एक आदमी चल नहीं सकता। और ये गली की हालत देखिए, ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर साहब से बात कर रहा हूँ मैं, फ़ोन कर रहा हूँ फ़ोन नहीं कर रहे, और जब फ़ोन करो तो कहते हैं कि ये गलियाँ मेरी नहीं है। अब आपने एनक्रोचमेंट आपने देखी पीछे, आगे से देख लीजिए, ये कितनी देर वो रैंप बनाया, कब से बनाया, कितने लोग बच्चे यहाँ स्कूटियाँ जब आ रहे हैं गिर रहे हैं, यहाँ से ड्रग्स वाले होते हैं, उठा भी नहीं जाता उनसे। पुलिस को हमने रिपोर्ट की, लाइट के लिए मैंने उनको 2-3 बार, मुझे कह रहे हैं ये नंबर ले खुद कॉल कर कर, मैं कहती लाइट तो लगा दो, और जब ये लगवानी भी थी तब भी ये सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं जो कॉर्पोरेटर है जिनको आपने चुना है, आपने वोट दिया उनको चुना, बिल्कुल है, कहते हैं वो भी जवाब है उनका, इतना अच्छा जवाब है, कहते हैं जिसको जिस आपने जिसको वोट दिया है उसे करवा लो, ये जवाब आता है। तो वोट तो आपने कॉर्पोरेटर को ही दिया। मैम, तो फिर ये जीते कैसे? सीधी बात है, जीते कैसे ये? और मैंने उस दिन जब ये आए यहाँ पे, हमारे जो एक्स एमएलए साहब भी थे तब भी मेरी उनसे परसों बात हुई, उन्होंने इतनी अच्छी तरह बात की, कहते जी मुझे बताया ही नहीं गया था कि यहाँ पे आगे भी गली है, मुझे कहा था कि गली आगे बंद है। पर वो भी किसी ज़माने में वोट लेने तो आए ही होंगे, अगर दूर की बात है। एक ही बार आए थे वो भी एक ही बार आए थे जब वोट लेने आए थे, उसके बाद वो भी कभी नहीं दिखे। अब आए भी उन्हीं के लिए जिन्होंने एनक्रोचमेंट्स किए हैं, उन्हीं के लिए आए, चार घर के लिए। अगर कॉर्पोरेटर की बात करें तो आपके कॉर्पोरेटर जो हैं वो बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं, बीजेपी बड़े बड़े दावे करती रही है और अभी भी दावे कर रही है कि हम जो है जम्मू कश्मीर में प्रगति लाएंगे। अगर गली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो वो प्रगति कहाँ पे है? अपने लिए होगी, दूसरों के लिए नहीं है। अब हमें है, हमारा जो मतलब है वार्ड्स बनाए इन्होंने, कॉर्पोरेटर्स बनाए कि गलियों को देखने के लिए, अगर हमारी नहीं गली मेरी क्या, बाकियों की भी देख लीजिए, ऊपर तक चले जाइए, अगर गली नहीं है, पानी यहाँ पे बीच में सड़कों में है, नाला जब बहता है तो घरों के अंदर पानी आता है तो फ़ायदा क्या? कोविड चल रहा है, इनको कभी पूछो कॉर्पोरेटर को, कभी एक बार यहाँ पे आके कभी सैनिटेशन ड्राइव भी की? ये नालियाँ देखो चौक पड़ी हैं, पीछे नाली बंद कर दी है परसों से, आगे नाली है, सिर्फ यहाँ इंजेक्शन, ये कूड़े ये रखिए सामने, लिफाफे लोगों ने कहीं कहीं से आते हैं फेंकते हैं, मोहल्ले वाले सारे बोलते हैं, कितना कोई रोके, किसको रोके? भी उनको एक बार कहा
था, मैंने कहा देखें ये तो लव बर्ड्स का मीटिंग पॉइंट बना हुआ है और ड्रग्स एडिक्ट्स का, तो मुझे पता क्या बोलते हैं, ओ जी तू ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम उसे खलोआ करो, दिखा करो ना कौन आंदा है, तुम्हारी ड्यूटी है। मैंने कहा ये हमारा अकेला घर है, मैं क्या डेपुटेशन लेके मेरे पास आओ, मैंने कहा इधर हम ही अकेले, तो कौन आएगा और कोई नहीं चलता साथ। तो फिर कहते नहीं जी, फिर मैंने हमारी आगे भी गली थी उन्होंने बाकी बनाई, हमारे वाशरूम के साथ उन्होंने नई वो टाइल्स लगवाई, वो टाइल्स बीच में पड़ जाती हैं क्योंकि गाड़ियाँ जाती उधर भी वो गाड़ी एक पार्क कर देते हैं, तो फिर गाड़ी जब हमारी दीवार के साथ नाली से होके जाती है तो टाइल्स गिर जाती हैं, मैं अपने हाथों से निकालती हूँ। तो उनको कहा तो कहते जनानी वाली गल्ला नहीं करनी होंगी बार बार, तो आप जदों फंड्स होंगे दिखे जा, वो आप डिटेल्स निकलवाइए। मैंने 1 अक्टूबर 2018 से उनको इतनी बार फ़ोन किया लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नहीं माना। बस वो अपनी वो दादागिरी दिखाते हैं, बाहुबली हैं क्या हैं वो, मतलब कि कॉर्पोरेटर जिनको आपने चुना है, जिनको आपने वोट दिया, जिन्होंने आपके काम करवाने थे, वही आज इस तरीके की बात कर। और वो मोहल्ले वाले एक दो हैं उनके साथ वो कहते हैं, उन्होंने भी हमें बताया ये जी कांग्रेसी हैं, क्या कॉर्पोरेटर को पता है कि हम जाके कहाँ पे वोट, कहाँ पे हम जाके वो निशान लगाते हैं, पता है कॉर्पोरेटर को, खुद भी तो ये कांग्रेसी थे, और हम तो उसी पार्टी, हम तो किसी पार्टी के नहीं है, हम उसी पार्टी के साथ चलेंगे जो कि यहाँ पे डेवलपमेंट करेगी, जो नहीं करेगी, जो गुंडागर्दी करेंगे उनको हम क्या करेंगे, वो मानते ही नहीं है। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं, और उनका कहना है कि शायद अब अगर बात की जाए, जिन्हें वोट दिया गया था जो कॉर्पोरेटर थे, लगा था कि वो डेवलपमेंट करवाएंगे, पर उल्टा तस्वीर कुछ और ही कह रही है। सर आपका नाम? मिस्टर राकेश कुमार मेरा नाम है, मैं वार्ड नंबर 26 में रहता हूँ, मेरा जो मकान है, और मैं एज ए सर्विस मैन, मेरे छोटे छोटे बेटे हैं, बच्चियाँ हैं मेरी यहाँ, क्योंकि वो घर के बाहर निकलेंगी तो एक्चुअली इधर बैठ के नशा करते हैं, इधर बैठ के नशा करते हैं, अगर हम बोलोगे हमारे के दमकल, लेकिन मेरी वाइफ रहती है अकेली, तो हम अगर कंप्लेंट करें तो बोलते हैं आप खुद निकल रहा है, लेडीज़ किसको क्या बोलेगी। दूसरा कि जो कॉर्पोरेटर ने काम लगाया था कि वो बोला कि मेरी गली जो है पीछे तक है, तो फिर मैंने उसको उधर से ड्यूटी से फ़ोन किया, भाई मेरी गली वहाँ तक बननी चाहिए, मेरे घर के अंदर पानी आ रहा है, बोला ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं बोला तेरा नहीं तो फिर किसका है, बोर्ड लिया है, कॉर्पोरेटर वो हैं उनके हिस्से में ये सारे जगह आती है, मतलब कि डेवलपमेंट आता है, लेकिन डेवलपमेंट ने बोला हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ तक नहीं है, फिर उन्होंने वहाँ तक काम किया है, जब मैंने उनको थोड़ा सा दिखाया तो उन्होंने काम वहाँ तक किया है, काम किया नाली वैसी जो मैंने बताया बढ़ाई उन्होंने, लेकिन आप देखो हालात देखो नाली की, गाड़ियाँ टाइलें पूरी उखड़ी पड़ी हैं, फिर अभी काम लगा वो चाय टाइलें उन्होंने अभी इनोग्रेट किया है, उनको पिछले हफ्ते उन्होंने टाइल वगैरह नारियल फोड़ के जो भी इन्होंने किया है मीडिया के सामने छोटा सा पैच बनाया है, मैंने सोचा कि सारा बनेगा, तो देखो देखो आप काम खत्म, बोला हमारा फंड्स किसके लिए आ रहा है, डेवलपमेंट के लिए ना, डेवलपमेंट तो हो नहीं रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है बीजेपी का, जो इनके बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ सत जी आए सत जी ने क्या किया, चार टाइल लगा के अपना इनको किया, अपना फंड निकाला और चल दिए, ठीक है, तो इनको क्या है कि ये मोदी जी की जो आड़ है ना ये अभी खत्म होनी चाहिए, मोदी जी को ये देखना चाहिए ये मेरी आड़ में क्या क्या हो रहा है। जी, जिस तरीके से आपने नशे की बात की है कि नशे का अड्डा जो है ये एरिया यहाँ का जो छोटा सा एरिया जो है वो बनता जा रहा है, कितनी दिक्कतें आती हैं आप लोगों को, अगर बात करें जैसे आप बात कर रहे हैं कि आपकी बीवी भी अकेली रहती है, रात को अगर यहाँ की महिलाओं को बाहर निकलना हो तो नहीं निकलती लेडी बाहर नहीं निकल पाती है, क्यों नहीं निकल पाती कि जी देखो मोहल्ले वाले किसी को आवाज़ लगाएंगे भाई मैंने बाहर जाना है तब वो बाहर निकलेंगे, अभी ये दुकानदार जी हैं बाकी ये आस पड़ोस वाले हैं अभी सर एक टाइम थोड़ी नहीं रहते हैं, किसको क्या बोलेंगे भाई हमें बाहर निकलना है, तो इसलिए अपना टाइम से अपना करके वो हो जाते हैं, लेकिन ये पकड़ेगा कौन, कॉर्पोरेटर का काम है पुलिस को इन्फॉर्म करना, हम करेंगे, पुलिस वाले बोलते हैं हम तो हमारा ड्यूटी वहाँ है हम क्या करेंगे, लेकिन भाई पहले मोहल्ले में देखो भाई कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहे हैं बेचने के लिए, ये तो पकड़ते हैं नहीं, या तो ये मिली जुली भगत है पूरी, ये इनको मिली जुली भगत है, तो ये मिली जुली भगत को खत्म करना चाहिए, तो ये काम कॉर्पोरेटर का है। दूसरा इन्होंने लगाया डोर टू डोर कैंपेन, जो कचरा उठाने वाले उसको पर मंथ 100 रुपये दोगे तो कचरा गाड़ी रोकेगा, 2 सेकंड रोकेगा कचरा डालोगे तो नहीं तो वो गया जी। तो हम कचरा कहाँ इकट्ठा करके रखें, 2 दिन का रखेंगे, गाड़ी लगाएगा डालेगा फिर वो जाएगा, अगर डोर टू डोर कैंपिंग का मतलब किस चीज़ का है, 100 रुपये किस चीज़ का देना है उसको, अगर हमारा सब कुछ जा रहा है तो हम 100 रुपये किस चीज़ का दे रहे हैं, अगर हमें ये ना तो फिर उसको बोलो म्युनिसिपैलिटी को खत्म कर दो जी, हम प्राइवेट गाड़ी लगाएंगे कचरा उठाएगी हो जाएगी, फिर हमें जरूरत ही नहीं है इस चीज़ का, तो फिर कॉर्पोरेटर किस लिए है, जीएमसी को सबसे बड़ा घोटाला है, बात है जीएमसी, ये हमारा कहना का मतलब सबसे बड़ा घोटाले वजह जीएमसी, अगर इनको आरटी लगाया जाए तो मैं बोलता हूँ भाई कितने घोटाले निकलेंगे कोई पता नहीं, कोई कह नहीं सकता जी। बोलते हैं सरकार की बात, आज सरकार बीजेपी कल कांग्रेस की कल एनसी की आएगी, पिछले तो एनसी की भी रही है कांग्रेस की रही है पीडीपी की रही है, इन सभी ने मिलकर किया ना, तो आज अगर डेवलपमेंट करना है तो इन्होंने ये नहीं देखना कि हमें बीजेपी का करना है या कांग्रेस का करना है, हमें तो लोगों का डेवलपमेंट करना है ना जी, बिल्कुल। ये लोगों का डेवलपमेंट है, लोग अगर वोट दे रहे हैं ना वो डेवलपमेंट के नाम डेवलपमेंट के नाम से लिए, तो वोट अगर डेवलपमेंट के नाम लिए तो डेवलपमेंट करो भाई, अपना जेब मत भरो अपना घर मत भरो,
और लोगों से अगर कुछ लिया तो लोगों को दो, लोग आपको सलाम करेंगे, नहीं तो लोग बाद में क्या क्या करेंगे वो इनको आगे पता चल जाएगा अभी किसको क्या होना है। तकरीबन 4 से 5 बार मैंने कॉर्पोरेटर साहब का नंबर मिलाने की कोशिश की और हर बार यही हुआ कि पूरी रिंग तो गई पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक बड़ा सवाल है कि कॉर्पोरेटर उन्हें लोगों ने चुना था और ये उम्मीद की जा रही थी कि जब ये कॉर्पोरेटर्स आएंगे तो हर मोहल्ले का यानी कि हर वार्ड की सूरत बदल जाएगी, परंतु इस वार्ड की सूरत तो बदली नहीं, वहाँ के लोग जो हैं और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। कॉर्पोरेटर साहब ना इनका फ़ोन उठाते हैं ना हमारा फ़ोन उठाते हैं, और भाई जिम्मेदारी है भी क्या, क्या समझते हैं ये कॉर्पोरेटर्स खुद को, ये तो नहीं है मैं कुछ कहूँगी क्योंकि इस पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहती, पर मैं चाहती ज़रूर थी कि ये कॉर्पोरेटर भी अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं वो ज़रूर कहें। मैं एक पक्षा स्टोरी कभी नहीं चलाने की कोशिश करती परंतु आज मुझे चलानी पड़ेगी। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी इन्होंने कॉल नहीं उठाया है, अगर ये कॉल उठाते हैं तो हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे कि क्या बात जो है ये करते हैं। हम लगातार जो है फ़ोन कॉल करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि ये हमारे सवालों के जवाब ज़रूर दें। आपकी क्या राय है और क्या आपके वार्ड्स में भी ऐसी परेशानियां हैं, ज़रूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।